So right now we are in the trailer and it is doing so nice. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई नो बहुत थोड़ा मैसी लग रही है क्योंकि मैं घायल हूँ, अभी जस्ट ना क्या आया एंड मैं थोड़ा तैयार हो जाता हूँ फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ऑल राइट, सो मैं अभी टिकट निकालने जा रहा हूँ और ये जो पीछे छोटा वाला टिकट काउंटर चलता था वो बंद है, तो मेरे को मेन टिकट काउंटर ही जाना पड़ेगा। धूप जो काफ़ी है यहाँ पर, अच्छा मैंने शर्ट पहना और चिराग पनवेल से निकल गया तो मैंने उसको बोला कि भाई खारघर आके उतर जा, क्योंकि आई नो मैं उसकी वाली ट्रेन जो पकड़ नहीं पाऊँगा, तो मैं पहले भी टिकट निकालता हूँ। इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, तो लाइक जल्दी हो जाएगा। एक सिंगल वाशी जो उस तरफ खड़ा हो गया और मेरे को अभी नीचे से जाना पड़ेगा। यू आर व्लॉगिंग? तू क्यों नीचे आ रहा? मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अभी चलता है। अभी जस्ट ट्रेन गई ना। ओके, मैं थोड़ा सा लेट हुआ एक्चुअली। मैं व्लॉगिंग, हाँ मैं ये व्लॉगिंग नहीं करता ना तो जल्दी आ जाता, इसके चक्कर में मेरे को टाइम हो गया। ठीक है कोई ना, अभी अपन नेक्स्ट जो ट्रेन है पकड़ेंगे। और आज स्टेशन पे इतना भीड़ नहीं लग रहा है ना? स्टेशन पे बहुत था, मुझे लगा बहुत था। हाँ बहुत था, मुझे लगा okay. हो गया, बैठने की जगह। क्या बात कर रहे हैं, ये ट्रेन निकल गई अभी, देखते हैं। खारघर पूरा खाली है बट काफी नॉस्टैल्जिया लग रहा है। रिसी स्टेशन पे अपन भीड़ रहता था बात होते, और बाकी लोग आ गए वहाँ पे, चेतन लोग। चिरक तूने बैग नहीं लाया, बुक्स कैसे ले? बुक्स बुक्स अभी खाली हाथ कहीं से थैली वाली ले लेंगे। तू कैसे लेने वाला, तू भी कुछ नहीं लाया? आज ब्लू पहन के आया वैसे भी डोरेमोन। एक्चुअली चिराग और मैं अभी बात कर रहे थे कि इंस्टाग्राम पे मेरे को एक रील लेना था, स्लो मोशन लेगा ना चिराग? मेरा वीडियो चल रहा है, कॉपीराइट लगाऊंगा मैं। किसी का भी वीडियो मतलब वायरल जा रहा है जिसके 10-15 फॉलोअर्स है, उनके भी लाइक मिलियंस व्यूज मैंने ऐसे देखे गए हैं। तो अगर आपको इंस्टा पे ग्रो करना है तो बस दिन में 5-10 रील्स वगैरह डालो। हाँ एक्चुअली वो उसको कॉपी करके। और एक्चुअली ये लोगों ने एल्गोरिथम उनका सुधारा नहीं अभी तक, जब तक वो नहीं सुधारते लोग उसका मौका ले सकते, चांस मार सकते हैं। और अभी जैसे यहाँ से थाने ट्रेन गई है तो हम नेक्स्ट CST ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आता तो मिल जाती। ठीक है ना ब्रो, कितना मेरे को रिग्रेट्स दिलाएगा, पास्ट इज पास्ट, वेदर इट्स 30 मिनट्स 15 मिनट्स। अच्छा मूड खराब कर दिया, चल तेरी मेरी तरफ से देखो आज एक वड़ा पाव। ओके ट्रेन जो है आ गई है, स्टेपिंग इन टू दी ट्रेन आफ्टर अ ईयर। तुम पहले गया है ना ट्रेन में? कल गया था साले, तो चल मैं पहले स्टेप करूंगा। बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। इधर अच्छा, इधर कोई नहीं है। हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? फीलिंग गुड, लाइक आई शुड। फीलिंग गुड, आर यू? So right now we are in the trailer and it is doing so nostalgic. Man, I guess a bot time for that. Yeah, man. Next season, we'll have it. बहुत मस्ती है। और I'm sure आपको इसका आवाज आ नहीं रहा है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज काफी ज्यादा है। ऊपर ऑन द फोन काफी भीड़ बढ़ गया ना अभी थोड़ा, बट बेटर देन बस आई गेस। ये बस में काफी कंजेस्टेड रहता है और एयर वेंटिलेशन भी इतना नहीं रहता। राइट राइट, फाइनली वी वाशी। भीड़ है भाई साहब, बहुत भीड़ है। ये लोगों ने पी कार्स में ट्रेन ओपन नहीं रखे है, बट फिर भी लोग मस्त वाला अच्छा वाला फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी भाई, बेटर देन ओला। पहुंच गए, अब हमें कॉलेज जाना। ये दोस्त लोग ऐसे ही होते, थोड़ा भी वेट नहीं करते, बट हमें बहुत वेट कर रहा था। बट चिराग अच्छा है मेरे लिए, वेट किया वही एक ही बार, तारीफ किया तो एक ही मिलने वाला है। वो शेयरिंग बंद हो गया,
नहीं है ज्यादा लोग तो मीटर से हां वो भी है आई गेस कॉलेज स्टार्ट होगा तो शेयरिंग चालू हो जाएगा हां कॉलेज स्टार्ट होगा तो प्रोबेबली शेयरिंग भी चालू हो जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग भी ट्रैवल नहीं करते तो हम लोग फाइनली कॉलेज पहुंच गए भैया मेरे को कोविड है कोविड दिखा रहा है इसमें कोविड नहीं दिखा रहा देखो क्या हुआ कहां पूछ रहा हूं है क्या कुछ नहीं मैंने उनको बोला कोविड है मेरे को क्या टच नहीं करने का नो टचिंग ठीक है सॉरी तेरे को छूंगा नहीं नो होमो ब्रो फेस्ट ओनली हम लोग अपने यहाँ पे काम से और चेतन तू नहीं कर रहा है व्लॉग करना अभी कर दिस इज नॉट अ व्लॉगर इज लाइक 24/7 हाथ में कैमरा होना चाहिए फेकर है ये फेक अरे वो व्लॉग कर ही नहीं रहा उसके हाथ में से फोन होना चाहिए अरे भाई जय सर कैसे हो सर बढ़िया बीमार है तुम लोग ये रफ बुक के लिए मेरे को इधर लाए हाँ ये व्लॉग भाई अरे तुम लोग इसके लिए इधर आए ये रफ बुक के लिए मेरे को बोला वर्क बुक है कुछ लिखा रहेगा इसमें हाँ अच्छा पीछे अच्छा कैंटीन भी लिखा ये तो बाहर से भी खरीद सकते इतना दूर क्यों आने का हाँ तो टिकट का पैसा ये इसके पैसे भरे ये पैसे वसूल करने खास टिकट निकाल के यहाँ पे आ रहे हो पता नहीं था आदित्य जो है पोएट है मिडनाइट डिलेमा करके है तो इस बुक में उसका जो पोयम है आदित्य नाइस पोयम यार मेरे को पसंद है काफी छुपा रुस्तम निकला बे तू तो एक वीडियो के लिए ऐसी रख रहा हूँ पढ़नी है तो ऐसे पढ़ सकते हो वरना ये जो बुक है ये ले लो लाइक अपने क्लासरूम के बाहर है ये जो रहता था ये बीएमएस का रहता था और ये जो है ये हमारा क्लास है काफी टाइम बाद देखा इस क्लास को काफी नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है काफी अच्छा लग रहा है लाइक एक साल पहले यहाँ पे हम बैठ कर पढ़ते थे पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता था बट जो भी है मस्ती वस्ती करते थे पता नहीं कब चांस आएगा हाँ यहाँ पे वापस आने का या मेरे को कभी कभी ऐसा फील होता है कि थर्ड ईयर भी हो जाएगा कॉलेज पास आउट हो जाऊँगा और यहाँ पे आने का वापस चांस जो भी है जैसे भी है और ये अभी एक्सपोजर यहाँ पे सेट हो गया तो यार इन व्लॉग तो बिरयानी खाने का पैसे लगाओ लोगों ने हमें कोरे कागज लेने कॉलेज बुलाया सो वी रिग्रेट कर ट्यूटोरियल बुक सॉरी कोई ट्यूटोरियल नहीं है नाम तो मत जाना और अदिति स्टारबक्स में काम कर रही है कॉफी पीने नहीं बुलाया हमें लगा कॉफी लाएगी यार हमारे कॉलेज की शान हमारा स्टड बॉय देखिए कुछ बना रहा है और आदि को हम बोल रहे हैं घूमने मैं बहुत गंदा दिख रहा हूं उमेश के लिए जज ऑन हिज क्लिप आई लुक वे प्रीटियर देन दिस डोंट डू दैट टू मी ओके बट आई एम द प्रीटियस्ट ओह आर यू सैड ओ भाई शांतावाई अगर शांतावाई सो गाइस हमने अपना यहाँ पे काम कर लिया है काफी ज्यादा पका बट ठीक है हम लोगों ने मैनेज कर लिया ये जो है बहुत ज्यादा लेट आया मोनिका गैलर की तरह देता हमेशा आता है हर टाइम लेट आता है वही हमेशा लेट आता है अभी तुम लोग जल्दी जा रहे हो उसका क्या मैं व्लॉग में पहले भी बोला जो वाशी में रहता है वही लोग लेट आता है हम लोग इतना दूर दूर ओके सो मैं थोड़ी देर पहले घर आया और सोचा कि व्लॉग बाद में करता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत इरिटेट हो रहा था तभी ये प्लान बना कि मुझे राहुल के बर्थडे पे जाना है बट राहुल जो है उसको निकलने में और 5-10 मिनट है वहाँ से तो मैं ये बॉक्स अनबॉक्स करने वाला और बाद में मेरे को पता है इसमें क्या है क्या है चाकू से अच्छे से खुल जाएगा ये
फेसिड दिस बॉडी वॉश, ये जो है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज ये पैशन फ्रूट है और इसका जो स्मेल है मतलब एकदम अलग से, एक बार में भी आपको ट्राई करके देखना चाहिए। यूज करते तो आप एक तीर से दो निशान चलाते हो, आपकी बॉडी भी क्लीन हो जाती है और ऊपर से आप अच्छा स्मेल भी करते हो और ये थोड़ा नेचुरल ऑर्डर देता है बॉडी को, ऐसे लगता है कि आपका बॉडी ऑर्डर ही है वो। ये देखिए, सो ये मैंने लाइक 3-4 महीना यूज किया है, तो 4-5 दिन में एक बार यूज करता था और आप देख सकते हैं इतना ही खत्म हो गया है, तो काफी अच्छी चीज है। मैंने भी 3-4 महीना यूज की, इसके लिए मैं आपको ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको स्किन एलिमेंट के इंटीमेट वॉश परचेज करने तो आप इनके साइट पर जाके कर सकते हो, मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। और साथ में ये हाइजीन वाइप्स है, मैं इतना ये यूज नहीं करता बट ओके, कहीं पर ट्रैवल वगैरह करना रहेगा तो ये यूज में आ जाता है, सो आई इवन कीप देम विद मी। वरना और आदित्य जो है पीछे आ गए, पीछे बैक गेट पे वेट कर रहा है, वरना वो आगे चले जाएंगे, उनको रास्ता कुछ यहाँ का पता नहीं है। अभी यहाँ पे हमने रॉयल एनफील्ड की बुलेट चलाई 500 cc और आई जस्ट वेटेड हियर टू सी द सनसेट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक फोटो अच्छा लेना था और पीछे से वो अर्नव और आदित्य आ रहे, तो आई एम वेटिंग हियर ताकि फोटो ले पाओ। एक्चुअली वहीं पे लेना था मेरे को, बट फिर वो बंदा बोला कि फोटोज लेना वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो हम लोग थोड़ा आगे आगे सोचा कि आगे आगे फोटोज लेते हैं। अरे फोन यूज कर रहा हो। तो वहाँ पे जो सनसेट हो गया है और यहाँ पे पूरा एम्बियंस चेंज हो गया। इसके अंदर क्या है ब्रो? कौन से इंजेक्शन वगैरह टोचा क्या? स्टेरॉइड्स। कोर्स अवेलेबल नहीं था तो हमने सोचा चाइनीज खाते हैं विद वाटरमेलन जूस। एक्चुअली इसने सैंडविच मंगाया था, सैंडविच नहीं आया ना, बट वो लोगों ने कोई दूसरा सैंडविच दे दिया हमें इंतजाम करके। तो भी थम सब पी रहा है? हाँ नाइस, तेरी तलब सबको लग गई आदित्य। थम्स अप जो यहाँ पे 3 दिन पड़े आदित्य ने पूरे पी लिए, और भी दो फेंक। मेरे को तो लगता है इसको ना थम्स अप कोका कोला और पेप्सी के बीच में डिफरेंस भी पता रहेगा टेस्ट में। बहुत होता है देखो क्यों रे देखने वाले। भाई हमने पेट भर के खा लिया है और अभी बारी है घर जाने की। एंड यहाँ पे जो एम्बियंस आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सही है। एक्चुअली मैं फ़ोटोज़ भी ले रहा था यहाँ पे, बट उनका कुछ इशू है कि फ़ोटो नहीं ले सकते यहाँ पे। राहुल यार छोड़ देना है। सो थैंक्स फॉर द पार्टी राहुल। ओके बाय देवम। चलो बाय, गुड नाइट, बाय। Not the goat. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable.